नमस्कार, मैं हूं कविता। हेल्दी क्रेविंग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हेल्दी क्रेविंग्स की किचन में बनने जा रहा है एक बहुत ही आसान तरीके का केक, जिसे बनाने में हमें ना तो एग की, ना ही कंडेंस मिल्क की, ना ही ओवन की और ना ही हमें इसके लिए क्रीम की ज़रूरत होगी। इस केक को आज हम कढ़ाई में बेक करेंगे और इस केक में जो भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे वो ज़्यादातर घर में ही अवेलेबल होती हैं। वो मार्केट में आता है ना ब्रिटानिया का स्लाइस वाला केक, उसी केक को आज हम ऑरेंज फ्लेवर का बनाएंगे और इसे बनाने में हमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। आप सभी से निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल हेल्दी क्रेविंग्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले केक को बेक करने के लिए कढ़ाई को लो टू मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख देंगे। आज केक को बेक करने के लिए नमक का यूज़ करेंगे, तो नमक मैंने डाल दिया है इसमें 1 से 1.5 कप। नमक को पूरी कढ़ाई में फैला देंगे। नॉर्मली जो हम घर में खाते हैं ये वही वाला नमक है। मैं नमक को ये कई बार यूज़ में लेती हूँ, इसलिए मैंने ये डिब्बे में भर के अलग से रख रखा है और मैं हर बार बेक करने के लिए इसी नमक को यूज़ करती हूँ। अब इसमें रख देंगे हम कोई भी स्टैंड और इसे ढककर गर्म होने के लिए रख देंगे। अब ये केक को बेक करने के लिए ओवन रेडी हो रहा है, इतनी देर में हम केक का बैटर तैयार करेंगे। उसके लेंगे कोई भी बड़ा एक बाउल और उसमें डालेंगे 1 कप फ्रेश दही। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। 1 कप ही डालेंगे इसमें हम चीनी। चीनी को मिक्सर ग्राइंडर में मैंने ग्राइंड कर लिया है और उसका एक पाउडर बना लिया है। अब इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। देखिए मैंने बिल्कुल फ्लैट करके लिया है। मेजरमेंट का खास ध्यान रखें। बेकिंग पाउडर आप कोई भी अच्छी कंपनी का ही यूज़ करें। साथ ही इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, खाने वाला जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं। अब इन सभी चीज़ों को विस्क से मिक्स करेंगे। इस केक के बैटर में हम दूध और पानी का यूज़ नहीं करेंगे, आज इसका बैटर दही से ही तैयार करेंगे। दही, बेकिंग पाउडर और सोडे के कॉम्बिनेशन से केक में एक अलग ही टेस्ट और टेक्सचर आता है। ये हमारा मिश्रण तैयार हो गया है। अब इसे उठा के एक तरफ रखेंगे 5 मिनट के लिए और केक में हम डालेंगे अब टूटी फ्रूटी। ये मैंने 2 तरह की टूटी फ्रूटी ली है, 1/2 कप, और इसमें डालेंगे हम ये 1 टेबल स्पून मैदा। मैदे को इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से, जिससे कि टूटी फ्रूटी को जब हम केक में डालेंगे तो ये नीचे तले में जाके नहीं बैठेंगी, पूरे केक में ये एक सार रहेंगी। लीजिए हमारी टूटी फ्रूटी तैयार हो गई है। अब इसे उठा के भी एक तरफ रखेंगे और केक का टिन तैयार करेंगे। केक टिन को ऑयल से ग्रीस करेंगे, चारों तरफ इसमें ऑयल को अच्छे से लगा देंगे। आपके पास अगर इस तरह का केक टिन नहीं हो तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसमें केक को बेक कर सकते हैं। अब इसमें लगा देंगे हम बटर पेपर। बटर पेपर को भी थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर देंगे। केक टिन में बटर पेपर लगाने से केक जो है वो सरफेस में चिपकता नहीं है। ये हमारा केक टिन तैयार हो गया है। अब जो अभी हमने मिश्रण तैयार किया था उसको देख लेते हैं। देखिए इसमें कितने सारे बबल्स आ गए हैं, बिल्कुल एयर ही हो गया है। अब इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून वनीला एसेंस, साथ ही इसमें डालेंगे ऑरेंज इमल्शन की 10 से 12 बूंदें, क्योंकि इसे आज हम ऑरेंज फ्लेवर का बना रहे हैं। अब इसमें डाल देंगे हम ऑयल। आप इसकी जगह पे बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एक बात और, ऑयल इसमें कोई भी फ्लेवर का नहीं होना चाहिए, जैसे कि मूंगफली का तेल, सरसों का तेल या फिर नारियल का तेल, बिना कोई फ्लेवर का ही तेल डालें इसमें। साथ ही डाल देंगे इसमें हम ये 2 चुटकी नमक। नमक डालने से इसका प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और इन्हें एक ही दिशा में चलाएँगे, बहुत ज़ोर से नहीं फेंटना है, हल्के हाथ से ही चलाएँ इसे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें से हम इस विस्क को निकाल लेंगे और इसमें डालेंगे हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। मैदा डालेंगे इसमें 1.5 कप। मैदा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। मैदा को मैंने 2 बार छान लिया है। मैदे को आपको छान कर ही डालना है, क्योंकि छानने से इसमें एयर आ जाती है। बाकी की मैदा को भी डालेंगे। अभी भी थोड़ी सी हम इसमें रहने देंगे और इसे एक दिशा में इस तरीके से चलाते हुए मिक्स करेंगे, हल्के हाथ से ही मिक्स करेंगे। अब बाकी बची हुई मैदा भी डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपको इसमें पूरी तरह से मैदे का यूज़ नहीं करना हो तो आप इसमें आधा गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं और आधी मैदा डाल सकते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे हम ये 1/2 कप कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर को भी मैंने एक बार छलनी से छान लिया है, क्योंकि इसको भी छान के डालना ज़रूरी है। ड्राई इंग्रेडिएंट को छान कर डालने से केक के अंदर एयर आ जाती है और इससे केक भी काफ़ी फ्लफी बनता है। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मिक्स करें
ये देखिए सभी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, इसमें कोई भी लम्स वगैरह कुछ भी नहीं है। अब इसमें डाल देंगे हम टूटी फूटी जो अभी हमने तैयार की थी और इन्हें मिक्स कर लेंगे, हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। इन सभी प्रोसेस को करने में 12 से 15 मिनट का समय लगा है। इतनी देर में हमारी बेक करने के लिए कढ़ाई भी तैयार हो गई है। अब इस बैटर को केक टिन में डाल देंगे। बैटर को केक टिन में इस तरीके से बीच में से डालें, एकदम कॉर्नर से नहीं डालें, और इसे पूरा नहीं भरेंगे हम, 3/4 भरेंगे। उसके बाद केक टिन को टेप ज़रूर करें। अब इसे हम कढ़ाई में रखेंगे, कढ़ाई भी तैयार हो गई है, संभाल के रखेंगे क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है, और इसे ढक देंगे। शुरू में 2 मिनट के लिए फ्लेम को हाई कर देंगे, उसके बाद इसे लो फ्लेम पर 40 से 50 मिनट के लिए बेक होने देंगे। केक को बेक होने में कितनी बार 60 मिनट भी लग जाते हैं और कितनी बार ये 40 मिनट में भी बेक हो जाता है, इसलिए इसे 35 से 40 मिनट के बाद एक बार चेक जरूर करें। केक को बेक होते हुए तकरीबन 50 मिनट हो चुके हैं, अब इसे एक बार चेक कर लेंगे। बाहर बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है, इसलिए मुझे इसे अंदर शिफ्ट करना पड़ा है किचन के अंदर में, क्योंकि मेरा किचन बाहर गार्डन में है। देखिए इसमें बीच में हम कोई भी ये सिलाई या टूथपिक डाल के इसे देखेंगे, टूथपिक या सिलाई बिल्कुल साफ़ निकल रही है, इसका मतलब हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है। अब इसे निकाल कर कढ़ाई में से बाहर रख लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे पूरी तरह से। तकरीबन आधे घंटे बाद केक हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसे नाइफ से इस तरीके से साइड इसकी अलग करेंगे। अब इसे किचन काउंटर या फिर किसी ट्रे के ऊपर इस तरीके से पलट देंगे और हल्का सा टैप करेंगे। देखिए हमारा केक नीचे से भी कितने अच्छे से बेक हुआ है। अब इसमें से बटर पेपर को निकाल देंगे। अब इसे दोबारा से सीधा करेंगे। केक बहुत ही स्पॉन्जी बना है। अब इसे कट कर लेंगे। देखिए आपको कट करने से ही पता पड़ रहा होगा कि केक हमारा कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए आप केक का स्लाइस, देखिए टूटी फूटी भी इसमें इवनली सभी जगह पे आई है, और केक कितना सॉफ्ट है, बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट केक बना है। सारे केक को कट कर लेंगे। ये लीजिए हमारी ब्रिटानिया केक की स्लाइस तैयार हो गई हैं। लीजिए हमारा ऑरेंज फ्लेवर का टूटी फ्रूटी ब्रिटानिया केक तैयार है। अब इसे आप बनाइए, खाइए और सभी को खिलाइए। आप सभी को मेरी आज की ये ब्रिटानिया केक की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी हर नई वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।